नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SSC CHSL 2021-22 के लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा चैनल नेटिजन ट्यूटर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएँ। आइए दोस्तों, अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपके SSC CHSL के एग्ज़ाम जो कि 24 मई से स्टार्ट होने वाले हैं, अब उनमें सिर्फ और सिर्फ आपके 10 से 12 दिन रह गए हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, किन टॉपिक्स को आपको कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप ये Tier 1 क्लियर करें, तो इस वीडियो में हम आपको यही बात बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है आपका रिवीजन। बिना रिवीजन दोस्तों आपका पढ़ा हुआ सारा वेस्ट है। जो भी आप कुछ फर्स्टली तो दोस्तों जो भी आपने पढ़ा है, अब आप उसका रिवीजन करें। अब आप कोई भी न्यू टॉपिक ना उठाएं पढ़ने के लिए इस लास्ट डेज में। जो आपने पढ़ा है सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन करें, ठीक है। और सेकंड है दोस्तों आपका फॉर्मूलेज। जो भी आपके मैथ के जो फॉर्मूलेज हैं सारे आप एक बार रिवाइज करें, ठीक है दोस्तों। और थर्ड है आपका मॉक टेस्ट। तो दोस्तों, अब आपके जो लास्ट डेज हैं इनमें कम से कम आपको डेली 3 से 4 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों मॉक टेस्ट ही हैं जो आपका टाइम मैनेजमेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट लगाए बिना एग्ज़ाम में चले गए तो आपको वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। यही होता है दोस्तों कि क्वेश्चंस तो सारे आते हैं लेकिन आपके पास टाइम नहीं बचता है, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस रह जाते हैं और फिर आपको आगे जाकर रिग्रेट फील होता है कि काश मैंने थोड़ा और टाइम मैनेज किया होता तो फिर मेरा पूरा एग्ज़ाम हो जाता। तो इसलिए दोस्तों मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कम से कम 3 से 4 मॉक टेस्ट तो आप डेली लगाइए ही लगाइए, ऑनलाइन लगाइए या फिर ऑफलाइन बुक्स लाकर उनमें से लगाइए, टाइम सेट करिए फ़ोन में तब लगाइए। लेकिन दोस्तों मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। और चौथी बात है दोस्तों, आप अपने लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम पेपर हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। 2020 वाला जो एग्ज़ाम अभी हुए थे 2020 वाले अगस्त और अप्रैल में CHSL के, आप उन्हें थॉरोली एनालाइज करोगे और उन्हें भी एक बार करोगे। और दोस्तों मॉक टेस्ट करने के बाद आप आधा घंटा दोगे अपनी मिस्टेक पर कि मैंने कहाँ मिस्टेक करें, कौन सी चीज़ों पर। और एनालिसिस जो आप एग्ज़ाम का एनालाइज करोगे इसमें आप देखोगे किस किस टाइप का पैटर्न आया था, रीजनिंग में किस किस के टाइप के पैटर्न के क्वेश्चंस आए थे। तो दोस्तों उससे जो होता है आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और आपको एक आइडिया लग जाता है कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उससे दोस्तों बहुत हेल्प होती है आपकी एग्ज़ाम में। ये मेरा दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है दोस्तों। तो एनालाइज और मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है और रिविज़न करना है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों सेफ स्कोर, कितना सेफ स्कोर आखिर आपको लाना है फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो दोस्तों अगर आप अनरिजर्व के हैं तो आप 160 स्कोर लेकर चल रहे हैं Tier 1 के लिए। अगर आप 160 स्कोर करते हैं Tier 1 में तो आप फाइनल सिलेक्शन तक बिल्कुल पहुंच जाओगे, आपके लिए पोस्ट बिल्कुल खाली है, ठीक है। और अगर आप और रिजर्व कैटेगरीज वगैरह से हैं तो कम से कम आपको 140 स्कोर करना ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको सेफ, अगर आपको Tier 1 और फाइनल सिलेक्शन तक का पूरा रास्ता तय कर रहे हो तो 160 Tier 1 में लाने होंगे और 140 रिजर्व कैटेगरीज को और 160 अनरिजर्व को लाने होंगे Tier 1, तभी आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमें आपको यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और किसी प्रकार की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।